जगजीत सिंह मीठी और मधुर आवाज के जादूगर जब गाते हैं तो लगता है कि एक मखमली एहसास कानों के रास्ते रूह को सुकून पहुंचा रही हो। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। ना जन्म का हो बंधन। जगजीत सिंह गजल गायकी का वो अध्याय है जिन्हें भारत का हर गजल प्रेमी बड़ी चाहत से याद करता और सुनता है। गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाना हो तो जगजीत सिंह का नाम ही सबसे पहले जुबान पर आता है। जगजीत सिंह ने अर्थ, साथ साथ और प्रेम गीत जैसे फिल्मों में भी गाए। होठों से छू लो तुम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, झुकी झुकी से नजर, होश वालों को खबर क्या, और बड़ी नाजुक है जैसी फिल्मी गजलों ने उनकी मौजूदगी को और भी मजबूत बनाया। जगजीत सिंह ने जिस प्रकार भारतीय संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है वो खुद में एक इतिहास है। जगजीत सिंह ने 150 से ज्यादा एल्बम बनाई है और लगातार करीब 41 वर्षों तक लोगों को अपनी आवाज सुनाते रहे। जगजीत सिंह को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गजल के बादशाह कहे जाने वाले जगजीत सिंह 10 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से कला जगत ने एक ऐसा गायक खो दिया जिसकी आवाज लोगों को गजलों में खोने को मजबूर कर देती थी। गजलों के शहंशाह जगजीत सिंह तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज आज भी सुनने वालों को बेहद सुकून देती है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। जहाँ तुम चले गए।